बहुत ही रास्ता दूर है, बहुत चढ़ाई चढ़ रहा है, बहुत दूर है और ये देख सकते हैं आप सामने सामने सब ऐसा। तो अभी हमारे साथ में इधर राजा आटा का विलेज का सर है, सर को नमस्कार। सर को पूछना चाहेंगे, सर आपका शुभ नाम? सरोज तामांग। आप यहीं से, यही गांव से है सर? राजा आटा से। ओके, चलिए हम लोग बात करते करते चलेंगे। तो ये आप लोग का कैसे आइडिया है सर कि प्लास्टिक बोतल बैंड करेंगे, ये सब बैंड करेंगे, मतलब सब बोतल में यूज़ होगा, प्लास्टिक का जितना भी सामान है सब बैंड है ये विलेज में? तो आपने कैसे सोचा सर इस चीज़ को आप लोग गांव ने? ऐसा है कि अभी ये थॉट जो था जी, ये उसोदा ने सोचा था जी। तो हमको पहले तो इसमें विश्वास नहीं था जी, तब हमने इस पर निगरानी लगाया, इस पर ध्यान दिया कि प्लास्टिक के माध्यम से क्या क्या होता है जी। अभी हमारा गांव में बहुत सारा लोग ऐसा है कि किसी को ना किसी को घर में, प्रत्येक घर में जी एक ना एक बीमारी है ही है जी जी। उसका मुख्य कारण ये प्लास्टिक के कारण से होता है जी जी जी। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी हमारा गांव बदलना। और देख सकते हैं मंजिल बहुत दूर, ये विलेज में जाना है हम लोग को, बहुत ही दूर विलेज, बहुत थक गया फिर भी चलना पड़ रहा है। तो ये उधर देख रहे हैं जो यहाँ पे लगभग कुल मिला के 82 हाउस है जिसमें हम लोग विजिट करना है। अभी देख सकते हैं, ये जो रोड जो दिख रहा है में, ये जो रोड दिख रहा है वहाँ से आया अभी हम लोग, इतना दूर से आया, कदम बाफला इतना दूर से आया, दिख रहा है अभी तो दूर से आया, तो दूर अभी तक नहीं पहुँचा है। किधर में दीदी, दीदी सब यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा गांव को, दीदी बहन जो हाँ एक ओहो कहाँ चला गया ईगल, वो ईगल को बोल के हमको उड़ा के ले जाने के लिए बोली ना वहाँ तक। हमारा मैजू कैसा, थक गया मैजू? बहुत थक गया दीदी, आप लोग भी थक गया? थोड़ा आयो आयो। अभी ऊपर में पहुंच गया जो मेन रोड है गांव का, तो वहां पे हम लोग को मैडम समझा रहा है कि कैसे करके ये प्रोग्राम सेटअप हुआ, कैसे करके आप लोग का भी विलेज घूमना है और कैसे करके वहां पे देखना है। एक्चुअली यहां पे पूरा जीरो वेस्ट है एकदम, प्लास्टिक बोतल सब बैंड और प्लास्टिक का जितना सामान है सब बैंड है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है वो लोग, ये जो गाँव है बहुत ही साफ सुथरा विलेज है और जीरो वेस्ट विलेज बोल के डिक्लेयर किया है राजा हटा को। तो ऐसा करके मैडम हम लोग को समझा रहा है और कैसे करके बाद में जाके काम कर सकते हैं हम लोग इस बारे में, वो सब चीज़ मैडम हम लोग को इसमें बता रहा है, जो अभी मैडम जी बता रहा है हम लोग को, ये सब हमको बता रहा है, पूरा टीम को समझा रहा है कि विलेज को कैसे साफ रखेंगे, कैसे करेंगे बोल के मैडम हमको समझा रहा है। सेक्सन एट कम्पनी हो, दुइटै नन प्रफिट हो भन्नुको मतलब चाहिँ सोसियल सर्भिसको लागि काम गर्ने खालको है उहाँ चाहिँ, अनि उहाँहरूले त्यो वेस्टमा चाहिँ पहिलादेखि नै काम गर्नुहुँदैछ। अहिले तपाईँहरू तल गरी हेर्नु भने सबै उहाँहरूले नेचुरल कन्स्ट्रक्सन, वेस्ट म्यानेजमेन्ट त्यस्तो कुराहरूमा काम गरि नै रहनुहुन्छ। अनि यो ग्रिन माइल भन्ने चाहिँ उहाँहरूको प्रोजेक्ट हो, यो जग्गाको नाम चाहिँ 8 माइल हो, 8 माइल ग्रिन माइल, यहाँनिर दुइटा बस्ती छ, यो राजा हट्टा अनि तलको नयाँ बस्ती, जहाँ चाहिँ यो अहिले लन्च भइरहेछ है। अनि त्यो लन्च हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ, तो आप ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पे राजा हट्टा में हम एक ओल्डेज आदमी के घर पे हैं जो 75 इयर्स हो चुका है। तो एक एग्जांपल है वो सर कैसे सीनियर सिटीजन भी होके भी कैसे अपने घर का वेस्ट को मैनेज करते हैं, तो वो सब यहाँ पे बता जा रहा है। और सीनियर सिटीजन जो सर है वो हम लोग को बता रहा है कि अपने घर पे दो प्लास्टिक रखते हैं, एक प्लास्टिक में ड्राई वेस्ट रखते हैं और दूसरा प्लास्टिक में जो सड़ने वाला चीज़ रहता है वो रखते हैं।
ऐसा करके सर मैनेज कर रहे हैं घर पे, और जो ड्राई वेस्ट रहता है उसको ले जाके टीडी बोल के नीचे एक तो संस्था है, वो टीडी संस्था में वो लोग प्लास्टिक बोतल ये सब जाके वहाँ पे वो लोग पहुँचाते हैं। नमस्कार, अभी हम लोग का मोटा मोटी फाइनल हम लोग जो ट्रेनिंग था वो कंप्लीट होने वाला है। तो अभी हम लोग राजा आटा विलेज में है, जो आपका जीरो वेस्ट विलेज है, और हम लोग को सीखना चाहिए राजा आटा विलेज से कि वो लोग कैसे करके अपना घर का जो डस्ट रहता है उसको, मतलब वो लोग कैसे करके यूज़ करते हैं, और बाहर जलाते भी नहीं हैं वो लोग, और फेंकते भी नहीं हैं, और नदी में जाकर फेंकते भी नहीं हैं वो लोग, कैसे करके वो लोग मतलब उसको रखते हैं, उसको संभालते हैं, और अपना जो विलेज को ना जीरो वेस्ट बनाते हैं। तो आप लोग को मैंने दिखाया जो उस टाइम गया था हम लोग, आप लोग को स्टोर दिखाया मैंने, जो ख़राब चीज़ें रहते हैं वो कहाँ पे फेंकते हैं, और जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैसा प्लास्टिक हुआ, बॉटल हुआ, वो सब वो लोग विलेज कैसे मैनेज कर रहा है, वो लोग कहाँ ले जा रहा है, उसको क्या कर रहा है, तो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। वो इधर में है, अंदर में वो लोग अभी क्या कर रहा है, जो बोतल प्लास्टिक जो रहता है सबको अलग 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 करके गैप गैप करके वो लोग रख रहा है अपना अपना स्टोर में। वो अभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन वो लोग ने सब पैक करके उसको क्लीन करके साफ करके मतलब पूरा फुल स्टोर में रखा है कि वो प्लास्टिक से कुछ बाद में जाके इनोवेटिव कुछ यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं वो लोग। और जितना भी सैनिटरी पैड रहता है, जो भी रहता है बच्चे का, ये सब रहता है उसको, ये सब, ये जो वॉल दिख रहा है आप, ये जो वॉल रहता है जब कंक्रीट का वॉल रहता है जिसके जगह में या रोड में कहीं भी कंक्रीट का जो वॉल रहता है उसके अंदर में वो लोग सीमेंट के साथ में अलग करके बिछा के उसको वो लोग फिनिशिंग कर रहे हैं। तो ऐसा करके वो लोग अपना जो विलेज है विलेज को एकदम न्यू एंड क्लीन बना रहा है। और मेरे साथ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बोतल कैसे करके मैनेज करके रखा है, प्लास्टिक कैसे करके रखा है। ये एक टीडी बोल के एक संस्था है, उसने उसके पास में ये सब जमा करके वो लोग रखा है, बाद में ये सब रिसाइकल पे चला जाएगा। तो ये सब बोतल प्लास्टिक सब धो के साफ करके अलग 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 करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ड्राई वेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये सब जो दिख रहा है, ये आपका जितना भी सड़ने वाला चीज़ है वो सब एक स्टोर बना के रखा है, और वहाँ पे धीरे धीरे वो लोग सड़ते हैं, सामान सड़ते हैं, तो सड़ने के बाद में ऐसा करके मॉल बना के उसको अपना खेत में, अपना गार्डन में यूज़ करते हैं। रेस्ट प्लेस हम सब जना टीम यहाँ था इधर में है। मैडम कैसा लग रहा है आपको रेस्ट प्लेस? मैडम जी कैसा लग रहा है? बहुत सुपर सुपर। मैडम आपको मैडम आपको मैडम जी कैसा लग रहा है? बहुत सुपर लग रहा है। मैडम आपको बालो अच्छे बालो मैडम आप दोनों को कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। भाई मेरे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया। माई जू भाजू कैसा लग रहा है? बढ़िया। सोनम जी कैसा लग रहा है? अरे क्या बोलूं, एक्सीलेंट। भाई कैसा लग रहा है? सुपर कूल। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यो कपड़े कुछ तो दिल भर है। आकाश मेरी नाम प्रिया हो, सो मो टीडी संग एसोसिएटेड छु। अनि खासमा टीडी को मतलब से टेक इट इजी इजी डज इट हो, टेक इट इजी इजी डज इट। सो एभ्रीथिङ जे पनि गर्नु हुन्छ हैन, आराम से बिस्तारै गरे भने, कामले गरे भने त्यो चीज हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा लाइक मोटो जस्तो। टीडी चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल कम्पोमो कल्चर फाउन्डेसन हो, अर्गनाइजेसन हो। सो हामीहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल अर्गनाइजेसनै भनेरै सुरु गरेको।